बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग विद हसीना। देखिए आज हमने कलिंगड़ के छिलके से टूटी फ्रूटी रेडी किया है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले शुरू करते हैं टूटी फ्रूटी बनाना। ये देखिए तरबूज के छिलके को हमें धोकर लेना है अच्छे से, और हमें इसका ये रेड वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो इसे मैं कट करके या इस तरह से निकाल लूंगी। तो देखिए इस तरह से रेड वाला हिस्सा निकाल दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा रह गया, कोई बात नहीं। तो अब हम इसका छिलका निकाल के लेंगे। देखिए इस तरह से स्लाइस में, नहीं सॉरी, स्क्वायर शेप में कट करके लेना है। इस तरह से स्किन को निकाल लेना है। और चलिए अब हम इसे, ये देखिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। अब हम इसमें पानी जैसे ही गर्म होगा तो हम इसे डाल देंगे। कटोरी हमें खरबूजे का ये पल्प काट कर लेना है। उसमें हम एक कटोरी चीनी लेंगे, इसकी हमें चाशनी बनानी है। तो एक कटोरी चीनी लेना है और उसमें आधा कटोरी लगभग पानी ऐड करना है। तो चलिए इसे हम गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं। अब देखिए जैसे ये 50% पक जाए तो हमें इसको ट्रांसफर करना है चाशनी में। चाशनी भी हमारी बन रही है। तो ये देखिए 50% पक चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये मैं इसमें ट्रांसफर करके लेती हूँ चाशनी में। तो चलिए अब हम इसे चाशनी में पका कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को हमें इस वक्त हाई रखना है। जैसे ये पकने लगे चाशनी में तो हम गैस का फ्लेम को हाई कर देंगे। इसे चलाते हुए हमें, ताकि अच्छे से सारे टुकड़ों में हमारा चाशनी अच्छे से अब्जॉर्व कर ले। तीन से चार अब हम वेनिला एसेंस के डालेंगे, ताकि हमारा जो इसका फ्लेवर है वो अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका। एसेंस डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके लेना है। आप इसमें चाशनी में पहले भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है तो आप उस एक बाउल में निकाल लीजिए, और हम थोड़ा थोड़ा टूटी फ्रूटी इसमें डाल देंगे। ये जो टुकड़े हैं हमने उबाल के रखे उसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए चार कलर बनाने के बाद इतना बच गया, तो इसे मैं ऐसे ही रखूंगी। तो चलिए अब हम एक एक कलर को मिक्स कर देते हैं। अच्छे से चारों कलर को मिक्स कर देंगे। ये परफेक्ट कलर इसमें अंदर तक पहुंच चुका है। तो इसे देखिए मैंने रात में पानी में, एक प्लेट में पानी डालकर रखा था, ताकि इसमें चींटी नहीं लगे, नहीं तो ये मीठे की वजह से चींटियां लग जाती है। तो चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं अच्छे से मिलाने के बाद। तो इसके लिए हमें एक डिश लेना है और एक छन्नी लेंगे। तो देखिए एक एक करके इसे मैं छन्नी में डाल दूंगी, ताकि ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो पूरा छन जाए। अब हमारा जो सादा वाला है इसमें कोई कलर नहीं है, ये थोड़ा बच गया था, तो ये मैं इसको बीच में निकाल लेती हूँ। इसे अब हमें सारा पानी निकालने के लिए कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, आधा से एक घंटा सारा पानी निकालने के लिए। हम इसे फैन के नीचे या तो फिर धूप में अगर सुखाएंगे तो कम से कम आधा घंटा से एक घंटा तक ही सुखाना। ज्यादा रखेंगे तो एक कड़क हो जाएगा। हमें सिर्फ इसका पानी पूरा मतलब ड्राई करके लेना है इसको। तो ये देखिए इसका पानी निकालने के लिए मैं थोड़ा ऊंचाई पे रखूंगी इसको, इस तरह से। ये देखिए पानी आसानी से अभी नीचे निकल जाएगा इसका। तो ये देखिए चाशनी निकालने के बाद हमने इसे पैन के नीचे रात भर और दिन भर रखा था, उसके बाद मैंने इसे एक घंटे के लिए धूप में रख दिया था, ताकि इसका जो चाशनी है, इसका जो पानी है, बिल्कुल भी ड्राई हो जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी है टूटी फ्रूटी। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी कि ये रेसिपी को देखने के बाद आप तरबूज के छिलकों को कभी नहीं फेंकेंगे,
तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे दुआ में जरूर याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।